हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिंस में, जहां आपको मिलती है मेडिसिंस के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज जो ये हमारा सेकंड पार्ट है, इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला है जो कि चिकन पॉक्स पे था कि चिकन पॉक्स क्या होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले वीडियो में मिल चुकी है। आज हम सभी इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि अगर आपको चिकन पॉक्स हो गया है तो डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो चिकन पॉक्स होता है वो वेरिसेला वायरस से ही होता है। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस जो होता है, तो इसमें वायरल एंटीवायरल ड्रग ही चलती हैं। तो हम जानेंगे कि कौन से एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती हैं। तो जो नंबर वन होती है वो होती है एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर डीटी टैबलेट होती है जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 200 एमजी में भी मार्केट में अवेलेबल है और 400 एमजी में भी अवेलेबल है। तो अब अगर कोई बच्चा है जो चिल्ड्रन के लिए, वो 200 एमजी डीटी टैबलेट दिन में दो बार देने की सलाह दी जाती है। बीडी आप दे सकते हैं। और अगर कोई एडल्ट है जिसको चिकन पॉक्स हुआ है तो 400 एमजी की टैबलेट आप सुबह शाम दिन में दो बार दे सकते हैं। बट सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, कितने पावर की देनी है। अगर बच्चा है तो उसके वेट पे भी डिपेंड करता है, इसलिए डोज आप अपने आप बिल्कुल भी डिसाइड न। टैबलेट होती है एसाइक्लोविर की, ये डीटी होती है, मतलब कि आप पानी में घोलकर, ये डिस्पर्सिबल होती है, इसलिए पानी में घोलकर आप पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम दूसरी टैबलेट के बारे में अगर बात करें कि इसके अलावा दूसरी कौन सी एंटीवायरल मेडिसिन होती है, तो वो होती है वेलासाइक्लोविर। जो वेलासाइक्लोविर होती है ये 500 एमजी में स्ट्रेंथ में आती है, जो कि अगर इसके डोजेस की बात करें तो सुबह शाम दिन में दो बार देने की सलाह दी जाती है। ये बीडी एक एडल्ट के लिए डोज होती है। जो फ्रेंड तीसरी मेडिसिन होती है वो होती है फेमीसाइक्लोविर। ये भी एक एंटीवायरल मेडिसिन होती है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 250 एमजी और 500 एमजी दोनों स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल रहती है। वो बच्चे को अगर कोई देनी है तो आप 250 एमजी दे सकते हैं। अगर कोई एडल्ट है तो 500 एमजी दिन में दो बार देने की सलाह दी जाती है। अगर इसको ये ड्यूरेशन की बात करें कि कितने दिन तक इसको दिया जाता है, तो आप 7 दिन तक कंटिन्यूस मेडिसिन को चला सकते हैं। जो तीसरा होता है, अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर है, इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक इंजेक्शन होता है। फिर आपको टैबलेट के अलावा इंजेक्शन भी देना पड़ सकता है। वो जेनसाइक्लोविर का इंजेक्शन होता है, ये इसका मेन कंटेंट होता है। आपकी ब्रांड नेम की अगर बात करें तो किसी दूसरे भी ब्रांड नेम से मिल सकता है, बट मेन आपको देखना है कि जेनसाइक्लोविर उसमें लिखा होना चाहिए, 60 इसमें यही होना चाहिए। ये इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, 500 एमजी में आता है। और अगर इसकी हम मतलब डोज की बात करें तो दिन में दो बार या फिर आप 12 घंटे की डिफरेंस पे दे सकते हैं। तो ये थी जो मेन एंटीवायरल मेडिसिन की, कौन कौन सी वायरल मेडिसिन है जो चिकन पॉक्स को ठीक करने में यूज़ की जाती हैं। अब इसके अलावा डॉक्टर के द्वारा कुछ सिम्टोमेटिक्स मेडिसिन भी दी जाती हैं। अब आप बोलेंगे सिम्टोमेटिक्स मेडिसिन क्या होती है, तो ये जो है केवल चिकन पॉक्स, कोई पेशेंट आता है तो आपके पास ये नहीं बोलेगा नहीं कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ है, वो साथ में ये भी बोलेगा कि मुझे हेडेक भी हो रही है, वो ये भी बोलेगा कि हाई फीवर भी है, वोमिटिंग भी लग रही है, ये इसके अलावा रैसेस भी है, खुजली भी है, कई चीज़ें वो अलग से प्रॉब्लम आपको बता सकता है। तो वो सिम्टम्स को देख के, जब मैं एंटीबायोटिक की बात कर रही हूँ तो उसमें जो कंटेंट होता है वो एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट का मेन दिया जाता है। अगर कोई एडल्ट है तो जो ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिलेगा वो क्लेवम 625 नाम से मिल सकती है टैबलेट, या फिर मॉक्सिकाइन सी भी 625 नाम से भी मिल सकती है। और अगर कोई बच्चा है तो भी आप एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट का सस्पेंशन भी ले सकते हैं। ये दिन में दो बार देने की सलाह दी जाती है। अब अगर मैं किसी प्रिस्क्रिप्शन की बात करूँ, अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया है तो मैं उसके प्रिस्क्रिप्शन आपको पूरा बता रही हूँ कि उसको कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो बच्चे को सबसे पहले आप मेफेनमिक एसिड सस्पेंशन दे सकते हैं दिन में दो बार, या फिर ज़्यादा अगर फीवर है तो आप दिन में तीन बार भी दे सकते हैं। और उसके साथ में आप एसाइक्लोविर डीटी टैबलेट जो मैंने स्टार्टिंग में बताई है वो 200 एमजी की दिन में दो बार देने की सलाह दी जाती है। और जो तीसरी मेडिसिन होती है कि अगर एलर्जिक कंडीशन दिख रही तो आप लिवोसिटीजिन सस्पेंशन भी दिन में दो बार दे सकते हैं। और आप लोशन भी, कलामाइन जो लोशन है वो भी बच्चे पे अप्लाई कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक की जो मैंने बात की तो एमोक्सिसिलिन का आप सस्पेंशन भी साथ में दे सकते हैं। तो ये बच्चे के लिए, ये चाइल्ड के लिए ये प्रिस्क्रिप्शन है। आप ये पूरी मेडिसिन अगर 7 दिन तक चलाते हैं तो पूरी तरह से आपको आराम मिल जाएगा।
वहीं पर जब हम एडल्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें कि एडल्ट को कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, तो आप पैरासीटामोल 500 mg सुबह दोपहर शाम 3 बार दे सकते हैं, या फिर अगर फीवर बहुत ज़्यादा नहीं है तो दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। और एंटीबायोटिक अगर है तो आप क्लेविन 625 या फिर मॉक्सिकाइन 625 या दोनों में से कोई एक मेडिसिन दे सकते हैं। वहीं पे जो एंटीवायरल मेडिसिन की बात करें तो एसाइक्लोवीर 400 mg दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है, ये आप पानी में घोल के पेशेंट को पिला सकते हैं। और जो स्किन पर रैसेस हो गए हैं, दाने हो गए हैं, फुंसी हो गई हैं, उनको ठीक करने के लिए कैलामाइन लोशन भी अप्लाई करने को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी कोशिश की है कंप्लीट मेडिसिन बताने की, कि जो चिकन पॉक्स में पूरी मेडिसिन यूज होती हैं, सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी और एंटीवायरल मेडिसिन भी। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स, जो मेरा पहला पार्ट का वीडियो है, आप आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, जिससे कि दोनों में आप कोरिलेट करके अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।